हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू सेशन। तो आज तुम्हारे सामने हम फाइनली इतनी सारी ईमेल्स रिसीव करने के बाद, ऐप पे इतने सारे मैसेजेस देखने के बाद, तो मुझे लगा कि प्रिपरेशन पे लग जाते हैं इसके। और लास्ट वीडियो और रिसीव वीडियो में बहुत बड़ा गैप है, लगभग 2 हफ्ते का गैप है वीडियो अपलोड करने का यूट्यूब पे। तो कहां था मैं, इस कोर्स के प्रिपरेशन में लग रखा था तुम्हारे लिए। तो ये सारी की सारी जब चीजें मेरे को लगा कि अब हम ये सबके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, तो तुम्हारे सामने मैं आ चुका हूं। और काफी सारी आज चीजें बताऊंगा, सीएमआई डेटा साइंस क्यों टॉप पे जाता है सबसे कोर्स, और आगे फ्यूचर क्या है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, डेट क्या है, बुक्स क्या फॉलो करनी चाहिए, किस बुक का कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, कोचिंग की जरूरत होती है या नहीं होती है, और तुम्हें जो आज मैं कोर्स बताने वाला हूं उसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं तुम्हें। सो स्टार्ट करते हैं। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज हम बात करने वाले हैं सीएमआई डेटा साइंस में। देखो, डेटा साइंस के अगर बारे में बात बताऊं तो फ्यूचर में डेटा साइंस काफी ज्यादा बूम पे होने वाला है, क्योंकि डेटा की ही अरेंजमेंट करनी है, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट हर एमएनसी में ये चाहिए ही होते हैं। और अगर तुम डेटा साइंस की बात करो, गूगल पे टाइप करके देखो तो सीएमआई तो आता ही है। तो टॉप का अगर तुम देखना चाहते हो तो सीएमआई, देखो मैथमेटिक्स के लिए जाना जाता है, और डेटा साइंस में अगर तुम देखोगे तो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स काफी ज्यादा यूज होती है और मैथमेटिक्स भी यूज होती है, तो वहां से बहुत ज्यादा लिंक हो जाता है सीएमआई। और सीएमआई में अगर तुम देखो तो मैथमेटिक्स के लिए तो अनपैरेलल है, मतलब बहुत ऊपर, बहुत। स्टैटिस्टिक्स के लिए देखें तो ISI आ जाता है, लेकिन ISI में CMI नहीं है, तो ISI में डेटा साइंस नहीं है तो CMI प्रोवाइड करता है। और किसी को ISI के बारे में नहीं पता है तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की बात करूं, जिसमें बेस्ट कोर्स इंडिया का स्टैटिस्टिक्स का मिलता है। और CMI की बात करूं तो चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में मैथमेटिक्स बेस्ट मिलती है, तो हमेशा इनका कंपैरिजन चलता रहता है कि कौन बढ़िया कौन बढ़िया कौन बढ़िया। ISI में भी मैथमेटिक्स होती है, बट आज हम बात करने वाले हैं डेटा साइंस की। तो ये तो बात हो गई कॉलेजेस के बारे में, इंस्टीट्यूट्स के बारे में, अब कोर्स का भी मैंने बता दिया। तो कोर्स का पैटर्न क्या रहता है, कोर्स ऑब्वियसली बात है, हम अगर डेटा साइंस करने जा रहे हैं, मास्टर्स करने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम भी होगा। एंट्रेंस एग्जाम में अगर हम देखें तो 3 घंटे का एग्जाम होता है, जिसमें फिक्स्ड क्वेश्चन नहीं होते, 18 से 20 के बीच में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, MSQ और सब्जेक्टिव। इसमें लिखना होता है हमें पेपर में, ठीक है, ये जो सब्जेक्टिव है ना, इसमें हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने होते हैं। थोड़ा सा अनयूजुअल इसमें रहता है इसका सिलेबस बाकी सबसे, अगर तुम बाकी एग्जाम्स से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा अलग है। एक तो हाई स्कूल मैथमेटिक्स आती है, मतलब 12th में जो मैथमेटिक्स तुमने पढ़ी होगी उसके लिए मैंने बुक भी वहां लिखी है, RD शर्मा, जो हमने 12th में पढ़ी थी, या एक न्यू बुक आती है टोमेटो की, वो भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। कैलकुलस 1 वेरिएबल सिर्फ चाहिए होता है, लीनियर अलजेब्रा के सिर्फ बेसिक चाहिए होते हैं, और यहां पर मैंने क्वेश्चन भी लिखे हैं, तो अगर तुम्हारे पास एक पेन और पेपर है उस पर साथ साथ लिखते रहोगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। सेट थ्योरी, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 1 इसमें आता है। फिर आता है प्रोबेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोच के भी समझ आता है डेटा साइंस में, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का तो यूज होना ही है। उसके बाद यूनिवेरिएट का मतलब होता है यहां पे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, तो उसका यूज आ जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन ऑब्वियसली बात है डेटा साइंस में यूज होने वाला है। नंबर थ्योरी की बात करें और हम एल्गोरिथम्स की बात करें, नंबर थ्योरी यहां पर ज्यादा आती है, ठीक है, और एल्गोरिथम जो है इसका एक एक क्वेश्चन तो फिक्स्ड है। एल्गोरिथम में क्या क्या आता है, सूडो कोड्स वगैरह आ जाते हैं इसमें, तो वो हमें करने होते हैं। 1 क्वेश्चन यहाँ फिक्स है, 1 क्वेश्चन यहाँ फिक्स है। उसके अलावा अगर मैं बुक्स की बात करूं तो क्या क्या बुक्स रहती हैं, एक केनेथ एंड रोजन का 1/6th chapter, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए हम पढ़ सकते हैं, जब हम यहां के लिए फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा है कंप्यूटर का, ये जो हमारे पास एल्गोरिथम है, दी बेस्ट बुक मेरे ख्याल से जो है वो है हाउ टू सॉल्व इट बाय कंप्यूटर। सारे चैप्टर करने की जरूरत नहीं होती, 4, 5, 9 chapter कर लोगे तो हमारा काम हो जाएगा। और सेल्फ स्टडी और टीचर की जरूरत में मैं डिफरेंस बताता हूं। सेल्फ स्टडी होता है कि अगर तुमने थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ा हुआ है कभी ये सारी चीजें, तो तुम खुद से पढ़ाई कर सकते हो। सारी वीडियोस इसी चैनल पे अवेलेबल हैं, सारा कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन तुम्हें क्यों न्यू लेक्चर्स, क्यों न्यू बुक्स की PDF, क्यों एक टीचर की जरूरत पड़ेगी, तो वो तुम्हें, वो ऑलरेडी टाइम लगा चुका है उस पर सारा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं सारा टाइम ऑलरेडी लगा चुका हूं और रिजल्ट भी दे चुका हूं। तो इसका मतलब है कि अगर तुमने पहले कभी नहीं किया हुआ, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना है, तो तुम एक कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, वरना सेल्फ स्टडी भी करोगे उससे भी हो जाता है, इतना कोई हार्ड टास्क नहीं होता। किसी भी कोचिंग का सिर्फ 30% ही रोल रहता है, 70% तुम्हें खुद ही करना होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएं तो पहले 5 चैप्टर पढ़ सकते हो शेल्डन ए रोज के, स्टैंडर्ड बुक है प्रोबेबिलिटी की, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी,
और एक शॉम सीरीज आती है उसमें लीनियर अलजेब्रा के लिए ये फॉलो कर सकते हो। और लीनियर अलजेब्रा ज्यादा डीप नहीं पढ़ना होता, बिल्कुल लेयर लेयर से पढ़नी होती है, आगे जाके इसका यूज आता है डेटा साइंस में भी। तो ये पूरा इसका सिलेबस रहता है, ये पैटर्न है। अब मैं बताता हूं थोड़ा सा कोर्स के बारे में। तो सीएमआई का सीएमआई डेटा साइंस का जो कोर्स है वो फाइनली, देखो मैंने क्या बताया, तीन चीजों के लिए हम जाने जाते हैं। एक है अफोर्डेबिलिटी, कि कोर्स बहुत जगह पे मिल जाएंगे तुम्हें और भी, बट बहुत कॉस्टली होते हैं यार, मतलब थोड़ा रिसर्च करके देखोगे पता लग जाएगा। दूसरा, पावरफुल कोर्स लेके आते हैं, ऐसा नहीं कि बस कोर्स बनाया दे दिया खत्म। और तीसरा हमारे पास आता है रिलायबिलिटी, तुम बाकी ऐप पे आओ, बाकी स्टूडेंट से बात करो और उनसे पूछो कि उनका फीडबैक क्या है, तब कोर्स को ज्वाइन करो। तो ये तीन चीजों के लिए हम थोड़ा सा जाने जा रहे हैं। तो अगर तुम्हें कोर्स ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे पहले लिंक पे क्लिक करोगे तो रीडायरेक्ट हो जाओगे मैथ्सतम ऐप पे, या फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर पे सर्च भी कर सकते हो ये मैथ्सतम, तो तुम्हारे सामने ऐप आएगी, उसको डाउनलोड करना। स्टोर सेक्शन में जाके तुम्हें कोर्स दिख जाएगा, सीएमआई डेटा साइंस पे क्लिक करना, डायरेक्टली पे कर सकते हो। अब कितनी अफोर्डेबिलिटी पे लेके गए हो आप, तो हमारा कोर्स रहने वाला है 4999। ये हमारा कोर्स रहने वाला है कोस्ट, बट थोड़ा सा तुम्हारे लिए एक यहां पर फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए एक हम ऑफर चलाने वाले हैं, जिसमें तुम्हें डायरेक्टली 10% का यहां पर ऑफ मिल जाने वाला है। तो तुम्हें लिखना क्या है, वहां पे जाओगे कोड में डाल देना फर्स्ट 50, जैसे ही लिखोगे कैपिटल में तो तुम्हें ऑटोमेटिकली 10% का ऑफ मिल जाने वाला है। ये सिर्फ फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए होगा, क्योंकि फिर बाकी सारी चीजें भी मैनेज करनी है तो उससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट 50 अगर तुम लिखते हो तो तुम्हें मिल जाएगा, उसके बाद ये प्राइस हो जाने वाला है। ठीक है, सो आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो। कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में तुम डाल सकते हो, और बाकी अगर कोई कोर्स के रिलेटेड इंक्वायरी है तो वो कमेंट बॉक्स में मत डालना, वो सही रहेगा कि ऐप पे पूछ लेना। ऐप पे एक चैट सेक्शन बना रखा, वहां जाके अपना मैसेज छोड़ सकते हो और वहां पे तुमसे बात करेंगे। बढ़िया नहीं रहेगा कि अगर तुम कमेंट बॉक्स में कोर्स से, मतलब कोर्स डिटेल के बारे में कुछ पूछो। हाँ, डेटा साइंस के बारे में, सीएमआई के बारे में, कब एग्जाम होता है, मैंने बताया मई में होता है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई जनरल इंक्वायरी है वो तुम कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। अगर कोई कोर्स रिलेटेड है तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि तुम ऐप पे पूछ लो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक लेना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत ढेर सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले, बाय बाय।